खोएगा वो उबारा दे के मारेगा। सुनो है मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। सुनो है मछलियों, सुनो है मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। और गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे, जैसे वो कहते अच्छे दिन आएंगे, गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे, बड़ा चालाक दुश्मन है सहारा दे के मारेगा। গরু মরে এড়ালত ছাগলী মরে গড়ালত আজিকালি বাইদেউসকল মরে নেতাসকলে দিয়া আঁচনিবিলাকৰ কবলত। নমস্কাৰ, মই হুকা গলি আপ সবি কো মেৰে চেনেল পে স্বাগত কৰতি হু। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে এই গৰাকী আজি কি হৈ গ'ল, হিন্দী কবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। মই হিন্দী নহয়, আপোনালোকেও ক'ব লাগিব কিয়নো, কিয়কি হাম লোক কা জো চি এম চাহাবে ও ভি হিন্দী মে আজকাল পুরা লেকচার দে রহি হে। ও ভি হা নহি, পুরা কেরেলা মে, পুরা কেরেলা মে নহয়, নির্বাচনী পুরা প্রচার চলাই আছে রাহুল গান্ধীর এগেইনস্ট। গতিকে আমি সকলোয়ে অলপ অলপ হিন্দী জানাতো বহুত জরুরি। কিন্তু আজি মই ভিডিওটো লৈ আহিছোঁ এটা বেলেগ এটা দেখাবৰ কাৰণে, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয়। কিয়কি উত্তৰ প্ৰদেশ কা এক মুছলিম লড়কা জিসনে পুৰা বিজেপি চৰকাৰ কো হি হিলা দিয়া, হিলা দিয়া মতলব মোদী যোগী সব কো ধো ডালা, এসা ধোয়া তো আপ দেখ কে হেৰান হৈ যায়েঙ্গে। পেলে আপ লোক কো ইয়ো ভিডিও দেখায়েঙ্গে, উসকে বাদ হাম লোক বাতে কৰেঙ্গে। তো বোলক তেনে হলে ভিডিওটোৰ মাজলে যাওঁ। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ऐ मछलियों, मछलियां हम सब हैं, भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ऐ मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। सुनो ऐ मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। और गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे, जैसे वो कहते अच्छे दिन आएंगे, गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे, बड़ा चालाक दुश्मन है सहारा दे के मारेगा। जो मंत्री कांग्रेस के अंदर थे वो पहले गलत थे, लेकिन अब जो बीजेपी, अब वो बीजेपी में आ गए तो वो सही हो गए। क्यों हो गए? बस हम ये कहेंगे कि झूमते हैं साफ सारे जाने कैसी बीन है, झूमते हैं साफ सारे जाने कैसी बीन है, इनका ना ईमान है ना इनका कोई दीन है, और जिसको भी देखो वो धुल के ही निकलता है। भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है? राहुल गांधी का पैगाम सिर्फ यही है, जो हर तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। क्या लगता है ये जो राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितना सफल हो भाई? ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये मोहब्बत की यात्रा है। यहाँ पर कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति को आप पकड़ के पूछ लिए वो 100 रुपए पर भी नहीं आया होगा, ये सब राहुल गांधी की मोहब्बत में आए हुए हैं। अच्छा, ये सब राहुल गांधी की मोहब्बत में आए, ये 300 रुपए लेकर नारे लगाते हुए नहीं आए। 300 रुपए लेकर के आता है, बहुत से लोग आते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये जो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती। हाँ, और दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। वाँ। 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 तो ये जो राहुल गांधी घंटा घर पे आए हैं, लखनऊ के जनता को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, कितना असर पड़ेगा, और 24 में कौन आ रहा है? आप यहाँ से ही देख लीजिए कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लखनऊ आ रहे हैं हमारे शहर, क्योंकि हम लोग मेरा शहर नहीं कहते कि तेरा शहर मेरा शहर, नहीं, हमारा शहर, हमारे में मतलब हम सबका शहर है लखनऊ, ये तहजीब का ही शहर है। और राहुल गांधी को आज यहाँ से इतनी तहजीब, इतनी मोहब्बत मिलेगी कि इंशाल्लाह वो 24 में जीत कर दिखाएंगे, इंशाल्लाह। अच्छा हाँ, बस एक मैं आपका सवाल पहले मेरी सुन लीजिए, मैं बस ये कहूँगा कि हम हिंदू मुसलमान 14 से पहले जब बीजेपी की सरकार बनी है उससे पहले क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं रहते थे? सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। रहते थे, आज भी रहते हैं, आज भी रहते हैं ना, तो कहते हैं मोदी जी सबका साथ सबका विकास, किसी सबका विश्वास। अरे भाई बता रहे किसका विश्वास, एक मिनट मेरे भाई, सबका साथ सबका विकास ना, सबका साथ नहीं, दो का साथ है उनका, अंबानी अडानी का, और दो ही का विकास अंबानी अडानी का, बाकी सबका साफ, सबका साफ, साथ किसी का नहीं है, सबका साफ विकास। ये न्याय जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत पड़ रही है, अन्याय भाई बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? आज हमारी आपकी जितनी एज है इस टाइम पे हम लोगों को अच्छा काम होता, अच्छी जॉब होती, आज बेरोजगार घूम रहे हैं। आप क्या, आप डायरेक्ट बोले पकौड़े तलो, अबे पकौड़े भी तो तलेगा आदमी, तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए भाई, बेसन लाने के लिए कहाँ से लाओगे? तुम आटा दे रहे हो 5 किलो और मतलब उसके ऊपर पन्नी पे फोटो भी अपना छपवा कर आप दे रहे हैं, मतलब गरीब को पूरी तरीके से जलील कर रहे हैं, राशन तो दे रहे हैं लेकिन गरीब को जलील कर रहे हैं।
क्या नहीं हो रहा है इस देश के अंदर, बलात्कार भी हो रहे हैं, आए दिन हो रहे हैं। बलात्कार का मामला तमा नहीं है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अरब कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, और मुझे अरब कंट्री से मतलब भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बलात्कार की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश, मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर बेटियां बहुत ज्यादा सेफ हैं। सेफ तो है, आप तो देख रहे हैं, कभी कुकर में, कभी फ्रिज में देख तो रहे हैं ना आप, कभी कुत्ते खा रहे हैं, कभी कुत्ते खा रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा, मैं अरब कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग बाई चॉइस हिंदुस्तानी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने हिंदुस्तान को चुना है, और यहीं दफन हो जाएंगे हम कहीं और नहीं जाने वाले बहकर, हम यहीं दफन होंगे इसी सरजमीन में। जिंदा है तो सजदा करते हैं, मर जाएंगे तो दफन हो जाएंगे इसी में। लेकिन लेकिन और कल बरोज़ा क़यामत भी इसी सरजमीन से उठाए जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन हम एक बात कहेंगे, आप कह रहे सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, रेप नहीं हो रहे हैं भाई, रेप नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं अभी हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि अरब कंट्री का कुछ भी देखे, नहीं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हैवानियत का कोई तरफदार ना होगा, जालिम का यहाँ कोई मददगार ना होगा। अगर मेरी बात सच हो तो तालियां बजाइएगा, हाँ, अगर सच हो। हम ये नहीं कह रहे कि इस्लाम का कानून लगा दीजिए आप, ये कर दीजिए, नहीं, इंडिया है भाई, हैवानियत का कोई तरफगार ना होगा, जालिम का यहाँ कोई मददगार ना होगा, और इस्लाम का बस एक ही कानून लगा दो, भारत में कभी कोई बलात्कार ना होगा। आप इस्लामिक कानून की बात करते हैं और वो हिंदू राष्ट्र, नहीं नहीं, अरे भाई हम इस्लामिक कानून, हमने क्या, मैंने अपनी राय रखी है, मैंने अपनी राय रखी, मैं नहीं कह रहा इस्लामिक कानून भाई, संविधान से चलेगा, इस्लामिक कानून से नहीं चलेगा, मैं तो नहीं कह रहा मेरा इस्लाम का कानून लगा दो। वही बात वो कह रहे हैं कि राम राज अगर आ गया हिंदुस्तान में तो यहाँ पे कभी कोई बलात्कार नहीं होगा, यहाँ पे बेटियाँ सेफ हो जाएंगी। तो अभी क्या है, 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 ये बताइए अभी क्या है। इनके पास में क्या मुद्दा था, राम मंदिर का मंदिर बन गया, अब क्या मुद्दा है, ज्ञान बाबरी का, उसके बाद क्या मुद्दा है, नहीं सुनिए सुनिए, वो सिर्फ और सुनिए, वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करके मुसलमानों की नफ्स देख ली है, मुसलमानों की नफ्स देख ली, लेकिन मुसलमान खामोश है सिर्फ इस वजह से कि यार बेहतर फैसला वो अदालत में होती है, उसकी अदालत में बेहतर फैसला होने वाला है, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसला, ठीक, देखिए देखिए आपकी बात पे, देखिए आपकी बात पर, आपने क्या कहा, कोर्ट के फैसले पर राम मंदिर बना, तो ये क्यों चिल्ला रहे कि हमने बनाया, इनके दौर में बना है प्रधानमंत्री, क्यों, इनका दौर अभी 5 साल में आया है, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, 5 साल पहले क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बना भाई, 5 साल पहले क्यों नहीं बना भाई, 5 साल पहले भी तो सरकार थी इनकी, क्यों नहीं बनाया, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान को काटना चाह रहे हैं। हमने इसीलिए शुरू में एक बात कही थी कि वतन के लोग अगर एक साथ हो जाएं तो मेरे देश के नेता अनाथ हो जाएं। वतन के लोग जब तक एक साथ नहीं होंगे, हम एक दूसरे को काटते रहेंगे, मरते रहेंगे, और कुर्सी पे बैठ के बेहतरीन आराम करेंगे, वो हम कटे हुए पड़े होंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमें कह दिया वो मंदिर तुम्हारा तोड़ा जा रहा है, वो तुम्हारी मस्जिद तोड़ी जा रही है, हम ये नहीं देख रहे कहाँ तोड़ी जा रही है, क्या हम निकले जा रहे हैं, क्यों निकले जा रहे हो भाई, आप पहले ये देखो, जो हिंदू तुम्हारे साथ 2014 में रहता था, जो मुसलमान तुम्हारे साथ 2014 से पहले रहता था कांग्रेस की सरकार में एकदम भाई की तरह, आज वो तुम्हारा कट्टर दुश्मन क्यों बने हो, एक दूसरे के क्यों बने हो भाई। राहुल गांधी का पैगाम सिर्फ यही है, जो हर तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा, ना गांधी को भी नहीं मान रहे हैं भाई, गांधी को मारने वाले को सुपर हीरो बना दो, कहां जा रहा संविधान। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं, कितना खुश है, कैमरा नीचे करिए, कैमरा नीचे कीजिए, इतना खुश है, इतना लैम्बोर्गिनी की चप्पल नहीं पहने भाई, ये 200 रुपए की है, बस बहुत खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें खुश है, किसी भी, सिर्फ मुझसे नहीं, आप किसी से भी पूछिए, अगर वो इंसान होगा, अगर वो इंसान होगा तो वो सच बोलेगा, अगर वो भक्त होगा तो वो कुछ भी बोलेगा, अगर इंसान है तो वो सच बोलेगा, और भक्त है तो कुछ भी बोल सकता है, अगर इंसानियत के नजरिए से देखेंगे तो ये देश पूरा का पूरा टूटा हुआ है, और इसे उठाने के लिए, इस अपाहिज देश को अपाहिज कर दिया है, कभी ये सोने की चिड़िया होता था लेकिन आज ये अपाहिज है, अगर इसको उठाना है तो राहुल गांधी को बढ़ाना है, राजनीति सीख रहे हैं अब, यही सुनिए, आप यही से अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी की ताकत का,
तुम सीखे सिखाए हो, वो कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी सीख रहा है और ये सीखे सिखाए हैं। जो बंदा सीख रहा उसने इतनी पब्लिक खड़ी कर दी, कैमरा घुमा कर देख लीजिए, उसकी मोहब्बत में वो अभी आया नहीं है, पूरे भारत में जहाँ से निकलता है। कितने देर से आप लोग इंतजार कर रहे हो भाई? हम लोग 4 घंटे मुझे हो गए हैं आए हुए, मुझे कोई पर्सनल लगाओ थोड़ी उनसे कि मुझे राहुल गांधी आएंगे मुझे गले लगा लेंगे, नहीं। वो तो शायद मेरा नाम भी ना जानते हो हम किसी का भी। उम्मीद है कि आएंगे बिल्कुल, हमारी शक्ल से वो वाकिफ नहीं होंगे। हम चाहे हम मुसलमान किसी अदर धर्म की बात नहीं कर रहे, हम मुसलमान हैं। अगर हम चाहे तो हम अपने कौन क्या चीज भाई भाई अभी जैसे क्या होता है ना कि मतलब हम लोग 5 किलो राशन मिल रहा है, चने मिल रहे हैं, चने कब मिले? शुरुआत में जब चुनाव उत्तर प्रदेश का नहीं हुआ था, जब चने थे, जब तेल थे, सब होते मैंने कंडीशन चुनाव जीते, सरकार बनी यूपी में, चने गए चने गए। और हमारे भाई कुछ क्या कहते हैं, अरे सरकार ने इतना अच्छा किया, हमें चने दिले, हमें आटा मिला, हमें गेहूँ मिला, हमें मोबाइल मिला। मोबाइल सब होते हैं इसलिए। एक जब पानी के अंदर जो है ना, समंदर के अंदर या नदी के अंदर जब आदमी डूबता है तो उसमें भंवर बन जाता है, तो वो उठा के मारता है फिर डुबा के मारता है। तो क्या क्या आपके कहने के हिसाब से रोजगारी और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है देश? बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। 14 से पहले क्या था रेट, अब देख लीजिए क्या है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, मछलियां हम सब हैं, भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, सुनो ए मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। और गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे, जैसे वो कहते अच्छे दिन आएंगे, गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। क्या शायरी आप ये कह रहे हैं जो जो MLA जो MP जो MLA जो MP कांग्रेस के अंदर पहले था, वो अगर अब BJP में शामिल हो गया तो वो सही है, ठीक है भाई। जो MLA जो MP पहले कांग्रेस में था तो वो चोर है, मक्कार है, उसके ऊपर केस कर दिया, बंद करवा दिया, या तो फिर उसके बाद में वो BJP में शामिल हो गया तो वो सही है। कांग्रेस में है तो गलत है, BJP में आ गया तो सही है वो। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? अगर आप मेरे साथ है तो आप सही, इनके साथ है तो आप गलत है। जो मंत्री कांग्रेस के अंदर थे वो पहले गलत थे, लेकिन अब जो BJP में आ गए तो वो सही हो गए। क्यों हो गए? बस हम ये कहेंगे कि झूमते हैं साफ सारे जाने कैसी बीन है, झूमते हैं साफ सारे जाने कैसी बीन है, इनका ना ईमान है ना इनका कोई दीन है, और जिसको भी देखो वो धुल के ही निकलता है। भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है? तो ये देश के युवा हैं और लगातार बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। भिडियो तो चाय बार आपलोगे के पाले जी की नौक इतना सचा कथा ये शुना गल आगते आम हिंदू मुस्लिम एकगे आसो एकगे आसो कि किसान इनफ्लुएसर कारण किसान नेतार इनफ्लुएसर क्षेत्र गई कि बर्तमान हिंदू मुसलमान एने पर्या पासेगे दुईटे इतना बर्तमान दुश्मन दुश्मन हो गए। किषको जो भारत एन धर्मनिरपेक्ष देश, सही धर्मनिरपेक्ष देश हिंदू मुसलिमे हमक कर्म जातिक लू कथा उच्चारण हम नागिसे उच्चारण इतना हम लगे जो केनेक आम निबन समस्या समाधान पारो के किसान लरा छी के चाकरी अलग दी पार कि बर्तमान जीखी शिक्षक चाकरी आसे बर्तमान शिक्षण कलने परखी नियोज शुनी सो हेनो जा और 8 बस दरमहा हेनो घूर दी लगे। बर्तमान देशों अवस्था यूसे अर्थनीत जदि उन्नति देखा गई है कि तथापि देखा जाए विशेषको इन बस्तुर दाम साधारण आमार निचना साधारण मानुर चलबले कि बहुत मुश्किल हो गई है। जी की नौक आज भिडिओ इमानते सामरी जो भिडिओ साल पाले लाइक शेयर और कमेन्ट कर और एने इंटरेस्टिंग भिडिओ चाहिए मोर चेनेल सबसक्राइब कर लगे पुनः लग पा नतुन भिडिओ सहित तब तक के लिए बाय।